हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन. वेलकम टू माय चैनल लॉ स्कॉलर्स एंड लीगल इश्यूज. आई एम एडवोकेट वनीता. आई एम प्रेजेंटिंग हियर अगेन विद अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू सीआरपीसी. इन द लास्ट प्रीवियस क्लास ऑफ सीआरपीसी वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ एफआईआर. हाउएवर देयर इज नो डेफिनेशन, दो नो प्रॉपर डेफिनेशन डिफाइंड एनीवेयर इन एनी क्रिमिनल लॉ, बट this is also very important aspect with respect to any cognizable offense. When any cognizable offense happened, then an FIR can be lodged. जब भी कोई cognizable offense जो होगा उसमें FIR जरूर ही दर्ज की जाएगी, और उसमें पुलिस को पावर होती है कि वो अगर FIR दर्ज करता है तो इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है मैटर को, और जब वो इन्वेस्टिगेशन करेगा तो उससे पहले उसको FIR दर्ज करना जरूरी होता है, और उसके बाद उसको अथॉरिटी है अरेस्ट विदाउट वारंट भी वो कर सकता है. बात आती है कॉग्निजेबल, कहाँ लिखा हुआ है कॉग्निजेबल? सीआरपीसी के लास्ट में जब हम शेड्यूल्स देखते हैं, शेड्यूल में मेंशन है कि विच ऑफेंस इज कॉग्निजेबल एंड विच ऑफेंस इज नॉन कॉग्निजेबल. आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 155 दैट डील्स विद द इन्फॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस. जहां पर नॉन कॉग्निजेबल केस आया है, इनकी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है जिससे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, जैसे कि बाइगेमी के मैटर होते हैं, और आप ये मान के चलिए 494 से लेके 498 तक के जो ये ऑफेंसेज है ये सारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेज में ही काउंट होते हैं. इसके अलावा जब मैंने आपको डेफिनेशंस करवाए थे उस टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो 467 आईपीसी है उसका पैरा वन भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बार डिस्कस करते हैं. तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ये ऑफेंसेज होते हैं जहां पर पुलिस के पास पावर नहीं होती कि वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सके और किसी को अरेस्ट भी कर सके. तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है, कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है. तो जो नॉन कॉग्निजेबल केसेस को रजिस्टर करने के लिए दिल्ली जैसी जगह पर एनसीआर वर्ड यूज किया जाता है, एक तरीके से एनसीआर ही होता है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट होती है ये. तो इसमें क्या कह रहा है, चलो हम इसको देख लेते हैं. व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू एन ऑफिसर इंचार्ज, जब किसी ऑफिसर इंचार्ज को इन्फॉर्मेशन दी जाती है ऑफ द कमीशन विद इन द लिमिट ऑफ सस्टेशन, कि किस चीज के लिए, कि उनकी लिमिट है, उनकी जो बाउंड्री है, उनका जो ज्यूरिडिक्शन है, वहां पर कोई कंप्लेंट हुई है, सॉरी कोई एक्ट हुआ है, कमीशन ऑफ द क्राइम हुआ, दैट इज ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. ही शैल एंटर और कोज टू बी एंटर्ड द सब्सटेंस ऑफ द इन्फॉर्मेशन. अब क्या होता है कि मान लो ऑफिसर इंचार्ज के पास एक इन्फॉर्मेशन आई, अगर वो कॉग्निजेबल है तो उनमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देगा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने के लिए क्या है, वो एफआईआर दर्ज करेगा. लेकिन अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है, उसको लगता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बन रहा है, तो क्या करेगा, ही शैल एंटर और कोज टू बी एंटर द सब्सटेंस को वो रिकॉर्ड करेगा एक बुक जो उनके पास होती है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है, एंड रेफर द इन्फॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट, और इन्फॉर्मेंट जो शिकायत करता है उसको मजिस्ट्रेट के पास रेफर करती है. सेकंड क्लॉज कहता है कि नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेशन, कोई भी पुलिस ऑफिसर शैल नॉट इन्वेस्टिगेट नहीं करेगा नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट, बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के. हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल, या तो मान लो वो मजिस्ट्रेट जिसके पास ये पावर है कि उस केस को वो ट्राई कर सकता है, या किसी दूसरी कोर्ट ने उसके पास भेजा है, कमिट किया है वो मैटर, तो उस मामले में वो मजिस्ट्रेट जो है अगर ऑर्डर देगा तभी उसमें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी. एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर, कोई भी पुलिस ऑफिसर जब ऐसा ऑर्डर रिसीव कर लेता है, मे एक्सरसाइज द सेम पावर. अब मान लो पुलिस ऑफिसर के पास मजिस्ट्रेट से ऑर्डर आ गया कि आपको इसमें इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसके बाद वो सारी सेम पावर आ जाएगी जो इन्वेस्टिगेशन के मैटर में होती है. एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट, सिर्फ एक पावर टू अरेस्ट की पावर जो है पुलिस के पास नहीं आएगी. एज एन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज, जो कि वो एक कॉग्निजेबल ऑफेंस में एक्सरसाइज करता है. कहते हैं कि जब मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दे दिया कि ठीक है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन आप इसमें इन्वेस्टिगेट कीजिए, इन्वेस्टिगेट किए बिना कुछ नहीं बन सकता, तो फिर क्या करेगा कि पुलिस के पास वो सारी पावर आ जाएगी जो कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आती है, लेकिन एक्सेप्ट वो पावर नहीं आएगी अरेस्ट करने की. नेक्स्ट क्लोज कहता है वेयर अ केस रिलेट्स टू टू और मोर ऑफेंसेस, मान लीजिए दो से दो ज्यादा ऑफेंसेस हैं जिसमें एक जो है कॉग्निजेबल है, मान लो तीन ऑफेंस और में एक कॉग्निजेबल बनता है, तो उस केस को कॉग्निजेबल केस ही माना जाएगा, नॉट विस्टैंडिंग द अदर ऑफेंसेस, चाहे वो अदर ऑफेंसेस जो है वो नॉन कॉग्निजेबल हो. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मान लीजिए दो से ज्यादा केसेज है, मार पिटाई का भी है, उसमें ग्रीवियस हर्ट का भी मैटर है और बाइगेमी का भी मैटर है, तो उस मामले में क्या है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस ही माना जाएगा और उसमें पुलिस जो है इन्वेस्टिगेट कर लेगी. तो ये है हमारा सेक्शन 155 नॉन कॉग्निजेबल केसेस से रिलेटेड. अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 156, पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट. अब बात आती है कि पुलिस ऑफिसर को पावर कहां से मिलती है इन्वेस्टिगेट करने की. तो पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस, एनी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट,
इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस को वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है विच अ कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन ओवर द लोकल एरिया, जहां भी लोकल एरिया में उसकी ज्यूरिसडिक्शन है, कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है जिस स्थानीय पर होती है, और जो है विदिन द लिमिट्स ऑफ द स्टेशन वुड हैव द पावर और इंक्वायरी करने का उसको राइट है, चैप्टर जो आपको 13 में दिया गया है. नो प्रोसीडिंग ऑफ ए पुलिस ऑफिसर इन सच केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन. मान लीजिए कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट कर रहा है लेकिन उसको यहाँ एक तरीके से उसका बचाव है, उसको एक प्रोटेक्शन मिली हुई है कि उस पर आप किसी प्रकार का बाद में कोई केस नहीं चलाएंगे अगर उसने उसमें कुछ इन्वेस्टिगेट किया है तो. फिर थर्ड कहता है एनी मजिस्ट्रेट जिसको एम्पावर्ड है सेक्शन 190 में क्या है, मजिस्ट्रेट को पावर है कि वो कॉग्निजेंस लेता है किसी भी मैटर को, जैसे चाहे तो पुलिस रिपोर्ट से आई हो, चाहे वो सो मोटो हुआ हो या कंप्लेन आई हो, तो उसके बाद 190 के तहत मजिस्ट्रेट जो है एम्पावर है और वो ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेट. नॉर्मली क्या होता है कि पुलिस वाले कार्रवाई कर देते हैं, अगर मान लो पुलिस वाले कार्रवाई नहीं करते, कई बार ऐसा होता है कि कोई सामने वाली पार्टी जो है जो एक्यूज है वो एक रेपुटेटेड पर्सनैलिटी है, कोई नेता है, तो उसके अगेंस्ट जल्दी से एफआईआर दर्ज नहीं करती है, तो उस मैटर में क्या होता है कि अब 200 के तहत सेक्शन 200 के तहत एक इस्तगासा जिसे हम बोलते हैं कंप्लेन फाइल की जाएगी, और उस कंप्लेन फाइल करने के बाद जो मजिस्ट्रेट होता है उसके पास पावर होती है सेक्शन 190 में, तो वो जो इन्वेस्टिगेट के ऑर्डर कर सकता है, उस इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर को हम कहते हैं ना 56(3) में ऑर्डर कर दिए, वो यही ऑर्डर होते हैं जब हम कहते हैं कि हमने कोर्ट से एफआईआर करवा ली, वो कोर्ट से एफआईआर के ऑर्डर कोर्ट नहीं करता, कोर्ट सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर करता है. अगर आप सेक्शन 1653 की बात करें और इसके थोड़े कंसेप्ट अगर हम और डिस्कस करें तो इसके रिगार्डिंग क्या होता है कि जब भी आप कोर्ट में कंप्लेन फाइल करते हो, इस्तगासा फाइल करते हो, तो सबसे पहले एक आपको एफिडेविट देना जरूरी होता है. बिना एफिडेविट के उस कंप्लेन की कोई भी वैल्यू, क्योंकि जब आप एफिडेविट देते हो तो एक तरीके से आप पर भी बाउंडेशन हो जाता है कि आप कुछ गलत इंफॉर्मेशन नहीं दोगे. अब एक और चीज आ जाती है कि मान लीजिए केस आया है, केस में क्वेश्चन अराइज हुआ, एक केस, मैं उससे पहले आपको लिख देती हूँ क्वेश्चन क्या अराइज हुआ था. वेदर व्हाट आर द ऑप्शन बिफोर, व्हाट आर द ऑप्शन बिफोर द मजिस्ट्रेट, ऑप्शन बिफोर द मजिस्ट्रेट, क्या मजिस्ट्रेट के पास ऑप्शन होते हैं ऑन रिसीविंग अ कंप्लेंट सीकिंग डायरेक्शंस. अंडर सेक्शन 156 क्लोज 3 कि मान लीजिए कि मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट पहुंचे, उसके बाद क्या क्या डायरेक्शन होंगे, क्या 156(3) के तहत वो डायरेक्शन देगा, क्या उसके डायरेक्शन वो कंपलसरी है, क्या वो चाहे तो उसमें मना कर सकता है. तो इसमें केस है एक एलेक्यू पद्मशी एंड अदर्स, मैं इसमें केस का नाम आपको मेंशन करवाती हूं. केस का नाम है एलेक्यू पद्मशी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इस केस में ये बात कही गई कि क्या क्या डायरेक्शंस है, क्या कंपलसरी है कि उसमें जो है उसको मजिस्ट्रेट को जो है 156(3) के ऑर्डर करने पड़ेंगे, क्या मजिस्ट्रेट की कंपलसरी है. तो इस केस में ये बात कही गई थी कि जब हम 154(3) देखते हैं, 154(3) में क्या है, 54(3) के अंदर है कि एनी पर्सन एग्रीड बाय रिफ्यूजल ऑन पार्ट ऑफ द ऑफिसर इन चार्ज, उसके पास क्या, शैल आइदर इन्वेस्टिगेट द केस. ये 154(3) तो ये बात करता है कि शैल वर्ड यूज करता है. शैल वर्ड का मतलब है कि जो वहां पर एसपी होगा उसको या तो खुद कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, शिकायत को, या किसी को डायरेक्ट करेगा. जब हम बात करते हैं 156(3) में तो यहां पर वर्ड यूज होता है मे, तो मजिस्ट्रेट जो है बाउंड नहीं है. अगर मजिस्ट्रेट को लगता है तो वो जो है 156(3) के तहत इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर देगा, अदरवाइज मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर नहीं देगा. तो यही बात इस केस में क्लियर की गई कि जो कोर्ट ने ये बात कही कि जो वर्ड यूज हुआ है शल, जो सेक्शन 154 क्लोज 3 में है, और जो वर्ड यूज हुआ है मे सेक्शन 153(6) क्लोज 3 में है, वो साफ तौर पर इंटेंशन जो है लेजिस्लेचर क्लियर करता है
कि पुलिस का एसपी के लिए तो वो बाउंडेशन है कि उसे वहां या तो मैटर वो खुद इन्वेस्टिगेट करेगा या किसी को कहेगा, लेकिन अगर वो मैटर इन्वेस्टिगेट नहीं करता है खुद तो उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, वो जो है घेरे में आ सकता है। बट मजिस्ट्रेट के लिए वर्ड ही मे यूज हुआ है, इसका मतलब कि वो घेरे में नहीं आ सकता। इसके रिगार्डिंग अगर हम देखें तो अब लेटेस्ट एक जजमेंट आया है, वीनू भाई, हरी भाई, मालविया एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इसमें 156(3) की, नॉर्मली क्या होता था कि 156(3) जो है वो कोर्ट जो प्री कॉग्निजेंस कोर्ट कॉग्निजेंस लेने से पहले ही जो है उसको ऑर्डर करती थी, लेकिन ये वीनू भाई हरी भाई का जो केस है इसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन जो है 173 का जो क्लोज है उसमें डिस्कस करेंगे। वीनू भाई का केस उस टाइम आपको बताऊंगी कि 173 के अंदर जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जो बात आती है उसके अंदर क्या कुछ सिचुएशन अराइज होती है, उस टाइम में इस केस की क्या भूमिका है। तो वीनू भाई का जो लैंडमार्क केस है अभी 2019 सुप्रीम कोर्ट का, हालांकि इस पर विवाद हुआ कि क्या पोस्ट कॉग्निजेंस स्टेज पर कोर्ट ने सारा कॉग्निजेंस ले लिया है, ट्रायल चलने लगे, क्या उसके बाद भी अब जो है 156(3) के ऑर्डर दे सकती है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के, तो वो उसमें क्लियर किया गया। तो वो हम जो 173 सेक्शन करेंगे तब उसके साथ हम उसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑकरेंस रिपोर्ट, इसे ऑकरेंस रिपोर्ट भी कहा जाता है। तो इस कंसेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मैं ये लेक्चर जो है छोटे छोटे पॉइंट्स में आपको करवा रही हूँ, 10-10 मिनट के लेक्चर बना रही हूँ, क्योंकि आपको चलते फिरते खाना खाते हुए या लेटते टाइम भी आपको 10 मिनट का टाइम लगे तो फटाफट लेक्चर को सुन सकते हो। ज्यादा लेंथी लेक्चर क्या है कि क्योंकि मैं अपनी प्रॉब्लम्स बता रही हूँ, अपनी मेंटल कैपेसिटी की बात कर रही हूँ कि मुझे ये रहता है कि ज्यादा लेंथी लेक्चर होता है मुझे बैठ कर आराम से उसे सुनने पड़ेंगे, लेकिन जो छोटे छोटे लेक्चर होते हैं उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में भी कवर कर लेते हैं, तो किसी प्रकार का हमें वहां पर इश्यू अराइज नहीं होता क्योंकि हम उसमें कैपेबल अपने आप को समझते हैं कि इसके लिए तो ज्यादा टाइम निकालना ही नहीं पड़ेगा, 10 मिनट का तो लेक्चर फटाफट सुन लेते हैं, तो ये हमारी मेंटेलिटी होती है। तो ये लेक्चर हमारा 10-11 मिनट का ही रहेगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको एक कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी आपको किसी प्रकार का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप रिवीजन भी करते रहिए, और कोरोना के इस पीरियड में आप अपना, अपने फैमिली मेंबर्स का, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।